पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि हम बच्चे को सेरेलैक किस मंथ से दे सकते हैं, सेरेलैक देने के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से देने, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो सारी ही बातें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने बहुत रिसेंटली ही एक अपना न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है प्रेगनेंसी हेल्प, ठीक है। तो आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहां आप जाकर उसको क्लिक कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रेगनेंसी से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए वो आपको वहां ज़रूर मिल जाएगी। मैंने 30+ के समथिंग वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। अगर आप प्रेगनेंट हैं या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर प्रेगनेंट हैं, तो वो उनके लिए वीडियोज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो प्लीज़, जैसा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, साथ ही आप उस चैनल को भी कर सकती हैं। अगर आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेगनेंसी हेल्प चैनल है उसका नाम, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और मुझसे आप मैं से ही आपने मुझसे पूछा था कि मैम सेरेलैक के बारे में वीडियो बताइए, और मैंने अपने बच्चे को 4 मंथ है उसको सेरेलैक देना स्टार्ट कर दिया है। अभी कभी कभी कन्फ्यूजन रहती है कि मैम सेरेलैक किस मंथ से बच्चे को देना स्टार्ट करें, ठीक है, तो कौन सा सेरेलैक हम खरीदें, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं। तो हम आज सेरेलैक की बात ही करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने अपनी बेटी को खिलाया था सेरेलैक, अभी मैं नहीं खिला रही हूँ अपनी बच्ची को। और ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी जो बेबी 1 ईयर कंप्लीट करने वाली थी, मींस मैंने 6 मंथ से स्टार्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया तो आप भी नहीं, आप इसको 6 मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं। बट मैंने अपनी बच्ची को ये 1 साल जब मेरी बच्ची हो गई थी, 1 ईयर उसने कंप्लीट कर लिए थे, तब ये मैंने देना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने ग्राम का है, कितने रुपीस तक आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। कम्प्लीट मैं इसका रिव्यू भी दे दूंगी और आप कब से स्टार्ट करें ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रही हैं वो है नेस्ले का सेरेलैक, ठीक है। तो ये नेस्ले का सेरेलैक है और मैंने एक टाइम ही इसको एक बार ही अपनी बेबी को खिलाया, उसके बाद मैंने नहीं खिलाया। उसका रीज़न ये था कि वो खाती नहीं थी, ठीक है। मैं बनाती थी उसके लिए दिन में एक बार, तो वो बहुत ही मुश्किल से मुझे उसे खिलाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत मीठा कम ही खाती है, और खाती नहीं, अवॉइड करती है। और हो सकता है उसे इसका ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा हो या उसको ये सेरेलैक पसंद नहीं आया हो। तो मैंने ये सिर्फ एक ही बार परचेज़ किया था अपनी बीवी के लिए, तो उसके बाद उसने नहीं खाया। तो ज़रूरी नहीं, देखिए कि ये आपका जो बच्चा है सेरेलैक को पसंद करे ही करे, या नहीं भी कर सकता है या कर भी सकता है, उसे बहुत अच्छा भी लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हम सेरेलैक किस मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं, तो आप अगर आपका बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर चुका है तो आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं, सेरेलैक दे सकती हैं, ठीक है। बच्चे के लिए हल्दी है, आयरन प्रोटीन सारे विटामिन्स आपको इसमें बच्चे के मिल जाएंगे, और बच्चे के जो डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के वेट गेन करने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और नेस्ले का आप सभी जानते हैं काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये मैंने ख़रीदा। अब इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पर आप ये कुछ ये देख रहे होंगे नंबरिंग इस तरीके से, ठीक है, ये नंबरिंग आप देख रहे हैं। तो इसमें ये 6 मंथ यानी फ्रॉम 6 to 12 मंथ इसमें आपको मिल जाएगा वीट, एप्पल, राइस, वीट एप्पल, यानी आपको इसमें एप्पल, वीट का, राइस का आपको इसमें फ्लेवर मिलेगा जब आप अपने बच्चे को, जो 6 मंथ का बच्चा है उसको आप देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम 8वें महीने से 12 महीने तक, इसमें भी आपको जो मिलेगा चावल, इसमें है वीट, एप्पल, चेरी, वीट, ऑरेंज, राइस, वेजिटेबल्स, खिचड़ी विद वेजिटेबल्स, घी, रागी, एप्पल। तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको अपने बच्चे को मिल जाएंगे, यानी हर मंथ के हिसाब से ये आपको अलग अलग पैकेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो ख़रीदा था अपने बच्चे के लिए, ये ख़रीदा था फ्रॉम 12 to 24 मंथ्स, ठीक है। तो इसके बाद 6, 8, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 10th, यानी 10th महीना, यानी 10, 11, 12 महीने के बच्चे के फ्लेवर में आपको मिलेगा वीट राइस, मिक्स्ड फ्रूट्स, वीट राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल्स,
वीट, हनी डेट, हनी और डेट्स, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। और 12 महीने से लेकर 24 मंथ तक के बच्चे के सेरेलेक में आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे मल्टीग्रेन, यानी सभी तरीके के मल्टीग्रेन अनाज, फ्रूट्स और मल्टीग्रेन दाल एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सेम जब बच्चा आपका 18 महीने से 24 मंथ तक का हो जाएगा, उसमें भी ये सारे ग्रेन्स और फ्रूट्स, ठीक है, उसमें 5 प्रकार की ग्रेन्स और फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए एक पूरा चार्ट इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आई होप मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूँगी, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, तो ये है लास्ट में 24 मंथ तक के बच्चे के लिए। तो इसमें ये सारी चीज़ दी हुई है। तो अलग अलग महीनों के जो बच्चे होते हैं, देखिए बच्चे की जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो सिमिलर नहीं होती। अभी 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है, उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस डिफरेंट होती है। फिर बच्चा 8 मंथ का होगा, फिर 10 मंथ का होगा, फिर जैसे जैसे ग्रोन अप करेगा उसी के हिसाब से ये आपको जो सेरेलेक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्लेवर भी और ग्रेन्स भी और ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेंगे जैसा जैसा आप खरीदेंगे। आप मार्केट शॉप पर जाओगे तो वो आपको ये आपके बच्चे की एज पूछेगा कितने मंथ का है, फिर उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये इसमें सारे जो आपको बच्चे को फ्लेवर मिल जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे अच्छे हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए। अगर आपका बच्चा दुबला पतला है, ठीक है, वीक है और हार्डली ही कुछ खाता है, बहुत परेशान रहती हैं कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊं, वो खाता ही नहीं है और बहुत ही हार्डली मैं उसको खिला पाती हूँ, तो आप सेरेलेक दे सकती हैं अपने बच्चे को काफ़ी अच्छे से, या बना सकते हैं। इसमें बनाने की पूरी प्रोसेस इसमें दे रखी है, ठीक है। अब इसमें ये मैंने अपनी बच्ची के लिए ख़रीदा था, मेरी बच्ची, मैंने जैसे कि बताया 1 साल की मेरी बच्ची हो चुकी थी तब मैंने ये ख़रीदा। तो इसमें देखिए 4 लेवल स्कोप्स, यानी 33 ग्राम के समथिंग 4 लेवल, इसमें एक स्पून है तो वो आपको 4 स्कूप्स लेनी है और 95 ml पानी, 95 ml पानी आप मेजर कर सकते हैं और उसमें आप ये डाल के बना सकते हैं। इसमें बनाने की भी सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि आपके जो हैंड है बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, पानी को अच्छे से बॉयल करना है। जैसे मैंने बताया इसमें मैंने अपनी बेबी के लिए 4 साल की, वो 1 साल की बच्ची थी मेरी, तो इसमें मैंने 4 स्कूप्स लिए हैं और 95 ml पानी लिया, उसको अच्छे से बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने उसमें 4 स्कूप्स सेरेलेक डाल दिया, फिर अच्छे से मिक्स करके वो हमें आपने अपने बच्चे को दे देना है, ठीक है। ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद बच्चा नहीं खाएगा। इसी प्रकार आप अगर आपका 10 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, उसी हिसाब से इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वरिड ना हो कि मेरा बच्चा इतनी एज का मैं कैसे बनाऊँ। इसमें सारी क्वान्टिटी और पानी और कितने स्कूप्स आपको लेने, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये आपको जैसे ये मेरा है 245 का है और आराम से आप इसको 1 महीने तक चला सकती हैं। 300 ग्राम का है, ये 300 ग्राम का है, 245 का मुझे मार्केट से इजीली ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा, दुकान से मिल जाएगा। तो ये आप 6 मंथ से अपने बच्चे को स्टार्ट कर सकती है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बच्चा 4 या 5 महीने का हो गया, क्योंकि कभी कभी आप में से ही किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम 4 या 5 महीने के बच्चे को सेरेलेक दे सकते हैं, तो मैं बिल्कुल मना करूँगी नहीं। अगर इतने छोटे बच्चे को आप दोगे एकदम डायरेक्ट सेरेलेक दे दोगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें अनाज है, इसमें ग्रेन्स मिले हुए होते हैं, थोड़ा बहुत तो रहता ही है इसमें, तो बच्चा शायद लूज मोशन कर दे, डाइजेस्ट इसको ना कर पाए, इसे खाते ही बच्चा पॉटी करना स्टार्ट कर दे, तो मैं आपको बोलूँगी कि इसको इतने छोटे बच्चे को ना दें जब तक आपका 6 मंथ बच्चा क्रॉस ना कर ले। तो धीरे धीरे आप बच्चे की फूड की कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, जैसे आप दाल का पानी दीजिए, चावल का पानी दीजिए, पतली पतली खिचड़ी बनाकर खिलाइए, फिर आप सेरेलेक भी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दीजिए और दिन में एक बार आप दे सकती हैं या एक दिन
रूटीन स्किप करके भी अपने बच्चे को दे सकती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों को लूज मोशन हो जाती है या बच्चा खा नहीं रहा, तो आप एक दिन स्किप करके दे सकते हैं और दिन में एक ही बार दें। ये नहीं है कि आप सेरेलैक है तो पूरा 2 या 3 बार आप सेरेलैक बच्चे को दे दें कि आपको लग रहा है कि जल्दी से बच्चा हेल्दी है, मोटा या गोल मटोल हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसको ये पसंद ना आए, हो सकता है बच्चे को लूज मोशन हो जाए। तो स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज ये खिलाकर आप देखिए बच्चा अच्छे से खा रहा है, बच्चे को पॉटी नहीं हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रेगुलर भी दे सकती हैं दिन में एक बार, ठीक है, दिन में आप एक बार इसको आराम से दे सकती हैं। या आपका बच्चा बहुत फूडी है और आराम से डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसे पॉटी नहीं हो रही है, ईजी डाइजेस्ट है, तो आप इसमें अपने बच्चे के भूख के अकॉर्डिंग आप दिन में 2 बार भी दे सकती हैं। लेकिन कोशिश करें एक बार ही दें। आप और बहुत सारे आपके पास चॉइस है बच्चे को खाने के लेकर, तो आप वो भी अपने बच्चे को दे सकते हैं कम्प्लीटली। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे को कोई एक फूड अच्छा लग गया तो फिर वो उसी पर डिपेंड रह जाता है, फिर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी बच्चा कोई दूसरा फूड नहीं खाता है। तो अगर आप उसको ये अच्छा लग गया तो वो हर टाइम यही सेरेलैक मांगेगा, तो आप ऐसा ना करें। जैसा है बच्चे को हर चीज़ खिला कर देखें, हर फूड प्यूरीज हर तरीके का सामान बच्चे को दें, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ मैं आपको सेरेलैक के बारे में, ये डब्बा मैंने तभी का संभाल के रखा हुआ था और इसमें बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें पैकेट है, काफ़ी कम मात्रा में इसमें बचा हुआ है। जब भी आप इसको कट करें कहीं से भी, तुरंत इसको अच्छे से सील पैक करके रख दें। इसमें अगर ज़रा सी भी नमी रहेगी तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा कट करने के बाद। कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर या अच्छे से ऐसे बर्तन में रखें कि नमी ना जा पाए, इस ड्राईनेस इसमें बनी रहे, एकदम नमी, इसमें मॉइस्चर नहीं आनी चाहिए। तो कट करने के बाद ये मैंने संभाल के रखा हुआ था उसी टाइम मेरी बेबी का। अब तो मेरी बेबी 2 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, तो मैंने ये एक बार ही अपने बच्चे को खिलाया है, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लिया नहीं। मैंने कई बार उसे खिलाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से ये मैं फिनिश कर पाई थी, थोड़ा इसमें बचा हुआ है, फिर मैंने नहीं दिया, ठीक है। अब लेकिन आपका क्वेश्चन आया तो ये काम आ गया, ताकि मैं आपको इससे इजी वे में समझा पाई हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को देना है, किस मंथ से देना है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू है। तो इसमें सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपके बच्चे का हेल्दी वेट गेन करने के लिए, सेरेलैक अच्छा है। तो माय डियर मॉम्स, आई होप कि आपको ये वीडियो मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो आप बहुत छोटे से बच्चों को ना स्टार्ट कर दें, 6 मंथ से स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, ठीक है। और मार्केट में आप जाएँ तो अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही खरीदें। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप खरीदें कि मेरा बच्चा इतनी एज का है, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये सिंबल मिल जाएगा, यहाँ पर दिया ना फ्रॉम 12 to 24 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग खरीद सकती हैं। तो माय डियर मॉम्स, अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।